हाँ दोस्त, आप लोग खुश रहे होंगे, मस्त रहे होंगे, जिंदाबाद रहे होंगे। आज का सवाल है, क्या भाई HCF 120, 225 बराबर कितना दिया है? 15। तो LCM 125, 225, यानी क्या करना है भाई? हमें LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है भाई। जिद करना सीखो, जिद करना सीखो। जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हासिल करना सीखो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें क्या जिद करना है। तुम्हें मंजिल को पाना है, तुम्हें हारना नहीं, तुम्हें जिद करना है। क्या? जिद करना सीखो। जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हासिल करना सीखो। जो तुम्हारे किस्मत में नहीं भाई, उसे तुम्हें हासिल करना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। हर चीज क्या भाई, हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। बस एक ही कामयाबी है जो ठोकर लगने से मिल जाती है। क्या भाई, जब आप ठोकर खाएंगे तभी क्या भाई आप सफल होंगे। जब आप सब मेहनत यानी जब आप ठोकर नहीं खाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सफल नहीं होंगे। हमने क्या कहा, हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। पर क्या भाई, बस एक मेहनत ऐसी कामयाबी है, मेहनत एक ऐसी कामयाबी है जो ठोकर लगने से मिलती है। भाई जब आप ठोकर खाएंगे तभी मंजिल मिलेगी, जब आप ठोकर नहीं खाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है कि HCF 120 से 225 बराबर कितना दिया है? 15। यानी HCF कितना दिया भाई? 15। और LCM में क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। इधर देखिए, इसे क्या मानना है भाई? पहली संख्या मान लीजिए, और इसे क्या मान लीजिए भाई? दूसरी संख्या। क्या ज्ञात करना है? इसे दूसरी संख्या। आप देखिए HCF कितना दिया भाई? 15। हमें क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। हमने क्या लिखा, इसे 120 को पहली संख्या माना, 225 को क्या माना भाई? दूसरी संख्या। HCF हमारा 15 दिया, हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। आपको फार्मूला पता होगा, आपने कक्षा 6, 7, 8 यानी 9, 10 में सभी क्लास में आपने पढ़ चुका है, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है। ये सब सवाल पूछता है भाई SSC में, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC, चाहे लेखपाल, हर परीक्षा में LASA यानी LCM और HCF से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आता है, हर बार हर पेपर में आता है। अब यहां पे देखिए, इसे पहली संख्या, पहली संख्या गुणते क्या होता है भाई? दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुणते कितना होता है भाई? HCF। अब यहाँ पे देखिए, पहली संख्या, पहली संख्या कितना माना है? 120। दूसरी संख्या कितना माना है भाई? 225 बराबर LCM पूछा है, LCM हमने उतार लिया, फिर गुणते यहाँ पे HCF, HCF का मान कितना दिया भाई? 15। एक काट दीजिए, चाहे जो काट दीजिए, 15 8 कितना होता है भाई? 120। 15 8 कितना होता है? 120। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 225 और 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा? LCM। जब दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 1800। कितना हो जाएगा? 1800। अगर 225 में अगर 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1800 बराबर कितना आ गया? LCM। यानी LCM बराबर कितना आ गया भाई? 1800। यही तो पूछ रहा है, LCM ज्ञात कीजिए। LCM हमारा कितना आ गया? 1800। HCF कितना आ गया? 15। पहली संख्या क्या था? 120, और दूसरी संख्या कितना था? 225। सवाल नंबर हमारा अगला क्या है? दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का LCM HCF का 12 गुना है। क्या कह रहा है भाई? दो संख्याओं का LCM HCF का 12 गुना है, एवं यदि LCM HCF का योगफल 234 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या बताना है। सवाल क्या कह रहा है भाई? दो संख्याओं का LCM HCF का कितना गुना है भाई? 12 गुना है। हमने लिखा कितना? LCM HCF का कितना गुना है भाई? 12 गुना है ना। LCM को कितना माना? 12x। अब क्या कह रहा है? जब LCM को 12x माना, यानी HCF को क्या मानेंगे भाई? फिर HCF को x मानेंगे। अब क्या कह रहा है? यदि HCF एवं LCM का योगफल कितना दिया भाई? योगफल कितना दिया? 234। यदि इस दोनों का योगफल कितना दिया है? 34 हमने उतारा, यानी 12x फिर प्लस कितना? x बराबर कितना दिया है भाई? 234। जोड़ा कितना आ गया? 13x बराबर 234। कितना आ गया? 234 से भाई 18 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 18। x बराबर कितना आ गया? अब यहां पे देखिए LCM,
एलसीएम कितना माना है भाई 12 एक्स, कितना आ गया 12 गुणते 18। फिर एचसीएफ कितना माना है भाई एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया 18। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 54 हो, यदि एक संख्या यानी पहली संख्या, यदि पहली संख्या कितना दिया भाई 54, तो क्या पूछा है दूसरी संख्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है दूसरी संख्या बताना है। अभी हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर क्या बताया था एचसीएफ गुणते क्या बताया था भाई एलसीएम, यही तो बताया था। यदि एलसीएम एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है भाई 12, एलसीएम को हमने कितना माना 12x, एचसीएफ को कितना माना x, तो यानी क्या कह रहे हैं यदि दोनों का योगफल, यदि दोनों का योगफल कितना है 234 हमने जोड़ लिया, 12x में जब एक x जोड़ा कितना आ गया 13x बराबर कितना दिया है 234, ये 18 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया भाई 18। यहाँ पे एलसीएम एलसीएम बराबर हमने यहाँ पे कितना माना था 12x, हमने 12 उतारा, यहाँ पे x x का मान कितना है 18, हमने लिख लिया 12 गुणते 18। अब यहाँ पे देखिए HCF हमारा कितना है भाई x मान है, तो x बराबर कितना है 18। अब देखिए आगे क्या क्या कह रहा है, यदि एक संख्या चाहे इसे एक संख्या मान लीजिए चाहे पहली संख्या मान लीजिए, यदि एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या पूछा है ना, फार्मूला क्या बताया पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना है भाई 54, यही तो पूछा है दूसरी संख्या, यही तो पूछ रहा है, हमने उतारा दूसरी संख्या, क्या उतारा भाई दूसरी संख्या। यहाँ पे HCF का मान कितना है भाई 18, हमने कितना उतारा 18। फिर यहाँ पे देखिए LCM का मान कितना है 12 गुणते 18। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है 18 3 54, फिर 3 काटा 3 4 12, यहाँ पे कितना बचा भाई दूसरी संख्या, क्या उतारा भाई दूसरी संख्या, 18 4 कितना आ गया 72, यही तो पूछ रहा था दूसरी संख्या बताना है, दूसरी संख्या कितना आ गया 72। सवाल नंबर अगला क्या कह रहे हैं भाई, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 2:3 है, यदि उनकी आयु का योग 45 वर्ष हो तो ए तथा बी की आयु बताना है, ए तथा बी का आयु बताना है। अब यहाँ पे देखिए ए इनका अनुपात कितना दिया है भाई, ए अनुपात बी हमने मान लिया, कितना दिया है 2:3, यानी ए का कितना मानना है भाई, ए 2 है तो हमने इसे कितना मान लिया 2x, कितना मान लिया भाई 2x, और बी कितना है भाई हमने कितना मान लिया इसे 3x। क्या कह रहा है यदि इस दोनों का योग कितना दिया भाई 45, हमने कितना उतारा यानी 2x + 3x बराबर कितना दिया भाई 45, से जोड़ा 5x बराबर कितना आ गया 45 5 9 45, यानी x बराबर कितना आ गया भाई 9। अब क्या पूछा है a तथा b की आयु बताना है, यानी a कितने वर्ष का है b कितने वर्ष का है, हमें वही आयु बताना है, a तथा b की आयु बताइए, यदि दोनों का योग कितना है 45 तो क्या पूछा है a की आयु बताना है b की आयु बताना है, यानी a कितने वर्ष का है और b कितने वर्ष का है। अब यहाँ पे देखिए हमने ए को कितना माना है भाई 2x, हमने 2 उतारा, यहाँ पे x का मान कितना है 9 9 2 18, बी उतारा, बी को कितना माना है भाई 3x, 3 गुणते 9 9 3 कितना आ गया 27, यानी ए का कितना आयु है भाई ए 18 वर्ष का होगा तो बी कितने वर्ष का होगा भाई 27 वर्ष का। अगर आपको डायरेक्ट करना है, क्या करना है भाई डायरेक्ट करना है, अब यहाँ पे देखिए कुल योग कितना दिया भाई 45, इनके आयु का योग कितना होगा 3 2 भाई 5, पहले ए को निकाल लीजिए, ए का कितना है भाई 2 है तो हमने 2 उतारा, 5 9 45, 9 2 9 कितना आ गया भाई 18। अब बी का निकालना है तो यानी क्या करना है 9 में 3 से गुणा कर लीजिए 27 आ जाएगा, अब चाहे निकाल लीजिए 45/5 * 3, इसे काटा कितना गया 5 9 45 9 9 3 कितना आ गया भाई 27 वर्ष। आप डायरेक्ट भी यहीं पे गुणा कर सकते थे 9 3 27 9 2 18। अब सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है,
यदि इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो ए तथा बी के आयु का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? ए तथा बी के आयु का योग ज्ञात करना है। यदि इनका अंतर कितना दिया है भाई? 20, तो ए तथा बी के आयु का योग बताना है। यानी क्या है, हमें क्या करना है, ए और बी के दोनों को उम्र को क्या करना है भाई, जोड़ना है। दोनों को मिलाकर कितने वर्ष के हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने लिखा एन पाते बी बराबर कितना दिया, 3:5। हमें क्या करना है, इसे यानी बी को ए को कितना मानना है, 3। बी को कितना मानना है, 5। ए को जब 3 है, हमने कितना मान लिया भाई, 3x। अनुपाते बी को 5 में, तो इसे कितना मान लिया भाई, 5। यदि इन्हीं दोनों का अंतर यानी कितना है, 3x - 5x बराबर कितना दिया भाई, इनका अंतर 20। जब इसे घटा देंगे कितना जाएगा भाई, 2x बराबर कितना है, 20। क्यों, अगर उम्र भाई हमेशा वर्ष माइनस में नहीं लिया जाता, यानी एज जो है माइनस में नहीं लिया जाता है, इसलिए हमने क्या किया भाई, माइनस में नहीं लिया है हमने। अगर यहाँ पे घटाता 3 - 5 की कितना बचता, -2, यानी माइनस इसलिए नहीं जाता, उम्र यानी एज भाई माइनस में नहीं लिया जाता। हमने घटा दिए कितना गया, 2x बराबर कितना है, 20। 2 × 20x बराबर कितना आ गया भाई, 10 वर्ष। अरे क्या कह रहा है, ए तथा बी के आयु निकालना है। पहले ए को कितना माना है भाई, ए को 3x यानी कितना उतारा, 3 × 10 = 30। बी को माना कितना, 5x, 5 × 10 = 50। क्या कह रहा है, ए तथा बी की आयु का योग, इस दोनों को अगर योग करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 80 वर्ष। कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। ये तो भाई हमारा क्या था, थोड़ा बेसिक था, इससे और जल्दी करना है। यहाँ पे देखिए कितना है अंतर, कितना लिखा है भाई, 20। यदि इस दोनों का अंतर कितना है भाई, 20। हमने 20 लिखा, जब 3 में से 2 घटा है कितना आ गया, यानी 3 में से 5 घटा है कितना आ गया, 2 × 20 कितना आ गया भाई, 10। अब क्या करना है, 10 3 में गुणा कर लें, 10 × 3 = 30, 10 × 5 = 50। क्या कह रहा है, ए तथा बी यानी क्या भाई, ये ए की आयु है, ये क्या है, बी की आयु। क्या कह रहा है, ए तथा बी की आयु का योग बताना है। जब योग बताना है भाई, दोनों को जोड़ लेना है, 30 + 50 बराबर कितना आ गया भाई, 80 वर्ष। ये भाई क्या है भाई, यही सब हर सवाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर चैप्टर से एक सवाल दो सवाल।